मैं तिमैया रोड शिवाजी नगर में अभी खड़ा हूँ और वहाँ पे जो उर्दू स्कूल है उस कैंपस के अंदर हूँ और मैं आज यहाँ पे क्या काम हो रहा है और इसकी पूरी कार्रवाई कौन कर रहे हैं वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मेरे साथ हैं जाकिर साहब। जाकिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ बुलाने के लिए। ये बताइए कि ये जो हायर उर्दू स्कूल प्राइमरी स्कूल है, इसका आप लोग क्या, कब से आप लोगों ने इसको टेक ओवर किया है, केयर टेकर का काम कब से कर रहे हैं? जी, गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल है। ये स्कूल 122 ईयर ओल्ड स्कूल है। तो इसको हमने टेक ओवर नहीं किया। गवर्नमेंट में एक स्कीम है कि अगर किसी भी गवर्नमेंट स्कूल को कोई एनजीओ या कॉर्पोरेट कंपनी इसको अडॉप्ट करके उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकता है और उसकी एजुकेशन अपलिफ्ट कर सकता है। तो मैं और मेरा दोस्त मोहम्मद कैफ, हम लोग एक एनजीओ चलाते हैं जिसका नाम स्मॉल अपील फाउंडेशन है। तो इसको हमने पहले जनवरी में यहाँ पे काम शुरू किया था। हमने जब हम आए थे, इस स्कूल की हालत बहुत ख़राब थी। अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे जो ग्राउंड है, ग्राउंड वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ गार्बेज। यहाँ पे जो आसपास के लोग हैं यहाँ पे अपना गार्बेज यहाँ पे ही डंप करते थे। तो हमने पहले शुरू किया वो गार्बेज क्लीनअप से शुरू किया। तो करते करते फिर यू नो वी गॉट द अडॉप्शन 5 साल का है। और हमारा विजन स्कूल के लिए ये है कि ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, तो नहीं, आप लोग 5 साल में, ये कितना दिन हो गया, 1 साल हुआ करीब? अभी कुछ 6-7 महीने को हो चुके हैं। 6-7 महीने। तो जाकिर भाई, ये जो बिल्डिंग का हालत देख के ये लग रहा है कि इसके अंदर तो पढ़ाई नहीं होती है, राइट? ये इस बिल्डिंग में पढ़ाई नहीं होती। हाँ। एक ज़माना था यहाँ पे पढ़ाई होती थी। हाँ। और 600 बच्चे यहाँ पे पढ़ा करते थे एट द पीक ऑफ इट। लेकिन अब यहाँ पे पढ़ाई कुछ नहीं हो रही है। इसके पीछे जो बिल्डिंग है यहाँ पे होती है। और तो ये बिल्डिंग का क्या प्लान है आप लोग? ये बिल्डिंग का प्लान है, इसको मरम्मत करने का प्लान है, क्योंकि इसकी हालत अगर आप देख रहे हैं, इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है, पेंट निकल गया है, यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई हो नहीं सकती। तो इसको मरम्मत करके यहाँ पे हम एक स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरी खोलना चाहते हैं और एक कंप्यूटर लैब डालना चाहते हैं यहाँ पे। सो दैट्स द प्लान फॉर दिस प्लेस। तो आप लोग को मैं ये इसका दिखा दूँ, बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन है बहुत ही पुराना है। अगर हम सब मिल के इसका कंस्ट्रक्शन को ठीक कर दें और अच्छे से मरम्मती कर दें तो ये देखने में बहुत अच्छा लगेगा। इसकी जो झलक है आप अंदर से हम आपको दिखाएंगे कि कितना बुरा हाल है, और तकरीबन ये भी आइडिया हम आपको देंगे कि इसको मरम्मत करने के लिए कितना पैसा लगेगा। ठीक है, तो चलिए अंदर हम देखते हैं कि बाहर अंदर के तरफ क्या हाल है स्कूल का। तो जैसे आप इंटर करते हैं, हमारे मेरे लेफ्ट हैंड साइड में एक ये रूम है, मैं इसको दिखाता हूँ क्या हाल है इसका। अभी इसकी पूरी फ्लोरिंग जा चुकी है, ठीक है, ये पूरा खास्ता हाल में, लेकिन काफ़ी मजबूत है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्डिंग गिर जाएगी। अगर इसको रिपेयर किया जाए तो बहुत अच्छा एक सिट आउट बच्चों के बैठने के लिए, या आप बोलिए कि एंट्रेंस की जो ऑफिस है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। चलते हैं दूसरे रूम में। अब वो तो आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड में था, ये मेरे राइट हैंड साइड का जो रूम है वो मैं दिखाता हूँ। तो ये क्लासरूम है, ब्लैक बोर्ड यहाँ पे रेडी है, और आप देखिए छत का हाइट कितना अच्छा है कि अगर यहाँ क्लासरूम बने तो बच्चों को, खिड़की भी बहुत अच्छी है, काफ़ी हवादार होगा रूम और गर्मी नहीं लगेगी। तो ये पुराने बिल्डिंगों की ये खासियत थी कि इसके जो रूफ होते थे काफ़ी हाइट पे होते थे जिससे बच्चों की गर्मी नहीं लगती थी। अब यहाँ जो बीच का सेंटर को जो हिस्सा है उसमें इंटर करके देखते हैं, आइए। तो एक बड़ा सा क्लासरूम यहाँ पे है, काफ़ी अच्छा है, आराम से 20-25 बच्चे बैठ के यहाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मरम्मत कराने की ज़रूरत है। अब ये आइए, ये इस क्लासरूम का हाल देखिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल किस हाल में है। बड़ा मुश्किल है अंदर आना, लेकिन अब आपको दिखाना है तो इस सब चीज़ों के ऊपर हमें भी चलना पड़ेगा। पता नहीं कहाँ कहाँ से चीज़ ला के फेंका गया है, और लोग आके अब इसको बाथरूम के तौर पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे खिड़की नहीं है, इस साइड का जो दरवाज़ा है वो पूरी तरह से टूट चुका है, लेकिन मरम्मत आसानी से कराया जा सकता है। यहाँ भी एक क्लासरूम है
जो दीवारों पे आप देखेंगे कि उर्दू लिखा हुआ है और सीढ़ियाँ लगा है, थोड़ा मरम्मत का काम, साफ़ सफाई का काम चल रहा है। देखिए वो फ्लोरिंग पूरी तरह से टूट चुका है। और यहाँ अगर आप खिड़कियों का हाल देखेंगे तो खिड़की बहुत ही खस्ता हाल में है, ये कभी भी निकल सकता है, तो बहुत ज़्यादा मरम्मत कराने की ज़रूरत है। लेकिन बिल्डिंग इतनी अच्छी है, पुरानी है, अगर इसको सही से मरम्मत करा लिया जाए तो बहुत ही खूबसूरत एक स्कूल तैयार हो सकता है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में एक छोटी सी पुरानी बिल्डिंग अगर देख रहे हैं आप, तो ये जो है यहाँ के जो गवर्नमेंट की तरफ से केयर टेकर रखा जाता है उनके लिए बना के दिया गया है। तो प्रोविज़न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बहुत सारे होते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि रूल्स रेगुलेशन बन जाते हैं लेकिन कोई नहीं होता है उसको मॉनिटर करने के लिए। अगर उस सारी फैसिलिटी को हम सही से यूज़ करें तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा कम्युनिटी को हो सकता है। अब ये सामने आप देखिए, ये सफाई चल रही है, ये वही केयर टेकर हैं जो कि साफ़ कर रहे हैं जो यहाँ रहते हैं। लेकिन बारिश के वजह से बहुत जल्दी ऐसे घास उग जाते हैं तो हर वीक इसको साफ़ करना पड़ता है। अब ये जो ग्राउंड है, काफ़ी अच्छा ग्राउंड है, इसको एक बहुत अच्छे से प्ले ग्राउंड में यूज़ किया जा सकता है। तो अभी यहाँ पे ये देखिए आप कि पोल बना है फुटबॉल का, तो इन लोगों ने कोशिश किया है कि एक फुटबॉल ग्राउंड छोटा सा बनाया जाए कि बच्चे आके यहाँ पे खेल सकते हैं। तो कोशिश है, लेकिन आप सब लोगों की बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ऐसे हेरिटेज बिल्डिंग को अगर हमको स्कूल में तब्दीली करनी है तो डेफिनेटली अच्छे खासा फंड की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो पुरानी बिल्डिंग आपने अभी देखा, उसके पीछे में ये एक नया बिल्डिंग बना है। यहाँ पे तकरीबन नीचे के तरफ में 3 क्लास है और इस साइड में 3 क्लास है, ऊपर 2 और नीचे 1, और एक प्रिंसिपल का क्लासरूम है। ये नई बिल्डिंग बनी है जहाँ अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हम चल के देखते हैं कि क्लासरूम कैसा है और कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो एक पहला क्लासरूम है, इसमें चल के देखते हैं क्या पढ़ाई हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, तो किस क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे? 6th और 7th के बच्चे हैं। 6th और 7th के बच्चे हैं। अभी एग्जाम हुआ है। हाँ। तो बैठे हैं, अभी खत्म हुआ है कल। तो अभी आपके स्कूल का टाइमिंग क्या रहता है? हमारा 9:30 to 3:30 है। 3:30। अच्छा, तो अभी जो यहाँ की इस बिल्डिंग में जो है उसमें 6 आपके क्लासरूम है? जी हाँ, ये 4 हैं जी, 3 हैं। अच्छा, तो उसमें एक ऑफिस रूम है। हाँ, तो 6 क्लासरूम। 6 क्लासरूम है। तो अभी आपके पास किस किस क्लास के बच्चे हैं? तो 1 to 7th हैं सारे। अच्छा। 1 to 7th में हर क्लास में बच्चे हैं, मगर कम हैं, 6-7। स्ट्रेंथ कम है? स्ट्रेंथ बहुत कम है। क्या रीज़न है कि इतने कम बच्चे आने का? यहाँ पे कदम कदम पे दूसरे स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, एडेड स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट स्कूल्स को भी ये दे दिए हैं। अच्छा। अभी आप देखेंगे तो बस यहाँ पे CZM स्कूल है, वहीं पे पास में कम्बलपुर शलमीन है, जस्ट 2 मिनट का वॉक है। तो यहाँ पे निस्वान है, इस तरह से बहुत सारे, और सारे यहाँ के स्कूल्स में थोड़ा ऐसा ही है, कम कम है। ये जो आपका मीडियम है, ये प्योर उर्दू मीडियम है? उर्दू मीडियम है। हाँ। मगर फर्स्ट स्टैंडर्ड से इंग्लिश कन्नड़ा दोनों लैंग्वेजेस भी पढ़ाते हैं। अच्छा। अलोंग विथ उर्दू। हाँ। और 6th 7th हम लोगों ने 3 इयर्स से हमें इंग्लिश मीडियम कर दिए, ताकि बच्चों को हाई स्कूल जाकर उनको प्रॉब्लम ना हो। तो अभी जो आप कितने क्लास से बोले? 3rd से। 6th 7th से। 6th 7th। थोड़ा पहले भी कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होना? नहीं, एक्चुअली ये उर्दू मीडियम स्कूल है। अच्छा। उर्दू मीडियम स्कूल सैंक्शन होते हैं। हाँ। तो वी आर नॉट सपोज टू डू, ये उर्दू स्कूल ही कहलाती है। हाँ। तो बच्चों के लिए, उनको दिक्कत आगे ना हो बोल के, हम लोग 6th 7th के लिए ये कर दिए। कुछ स्कूल्स है ना 6th 7th में इंग्लिश मीडियम करिए, ताकि उनको मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजीज और वो जो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज ईजी हों जी, फुल फ्लेज पढ़ाई कराते हुए जी। अगर शुरू से ही थोड़ा आप इंग्लिश पे और ज्यादा ध्यान और कन्नड़ा पे ध्यान दें, तो शायद बच्चे बहुत ज्यादा नंबर में बढ़ जाएंगे। और हो सकता है यही सोच के हम लोगों ने ये भी किया था 6th स्टैंडर्ड का, हो सकता है। मगर यहाँ पे मीडियम उर्दू है, ठीक है, उसको तो हटाना नहीं, उर्दू तो चलता रहेगा जी जी जी, पूरा अपना खुद सिलेबस है। लेकिन बाकी किताब अगर आप इस्तेमाल शुरू करें, मैथ और साइंस इंग्लिश में, तो शायद बच्चे ज्यादा आएंगे।
तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स का अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो जैसे बच्चे जिस बैकग्राउंड से हमारे पास बच्चे आते हैं, तो दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द चिल्ड्रंस एजुकेशन टू बी फ्रैंक. तो उनको जब अगर तुम्हें इसके लिए भी बुलाएंगे, उनको पीटीए के लिए बुलाएंगे, तो दे आर नॉट बॉदर्ड. तो ऐसे लगता है जैसे एक हाथ से थाली, हम जितना कर सकते हैं हम लोग कर रहे हैं. तो होमवर्क यू कैन नॉट एक्सपेक्ट. हम लोग इसके बावजूद उनको डेली देते हैं, डेली उनको ये होमवर्क है बोल के बोलते हैं. द नेक्स्ट डे वी आर ओनली सपोज टू डू. प्रॉब्लम क्या है ना कि देखिए, ये जो बच्चे आते हैं इनके पेरेंट्स भी पढ़े लिखे नहीं होते, नहीं है. तो उनको इसका इम्पोर्टेंस नहीं है. तो जब इम्पोर्टेंस नहीं है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम लोग कितना उनको पढ़ा पाए. तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग. मैं भी इसलिए आया था कि देखूं और लोगों तक पहुंचाऊं कि आप लोग की बिल्डिंग थोड़ी और अच्छी हो जाए. अच्छा, तो बाहर से देखने में इंशाल्लाह लोग अच्छी हो जाएगी तो लोग और आएंगे. जी, ये हमारी कोशिश रहेगी. आप अपनी कोशिश कीजिए, हम अपनी कोशिश करेंगे. मेन बच्चे आने का है. अगर बच्चे आ जाएंगे तो टीचर्स भी आ जाएंगे. हम लोगों के तो जो सैंक्शन पोस्ट हैं दो ही हैं. मैं इंचार्ज भी हूँ, टीचर भी हूँ, और एक कनाडा टीचर है. ये टीचर को हमारे जो अडॉप्टीज हैं उन्होंने अपॉइंट किया हुआ है. तो अगर जैसे ही बच्चे एक्स्ट्रा होंगे, जैसे 50 आएंगे, तो एक और वैकेंसी यहाँ पे सैंक्शन होगी. तो इस तरह होगा. हर 50 बच्चे पे एक टीचर मिलता है? नहीं, ऐसा नहीं. 30:1:30 का रेशियो है. तो अब यहाँ पे हम लोग दो हैं, कम से कम उससे तो कम नहीं कर सकते. तो इस तरह से चल रहा है. तो 1:7 है, तो वी आर नॉट एबल टू को. मतलब ऐसा है कि अगर बच्चे बढ़ जाए तो टीचर की आने में दिक्कत नहीं हो, गवर्नमेंट से टीचर मिल जाएगी. मिल जाएगी. तो अभी आपको यहाँ पे गवर्नमेंट से कुछ फैसिलिटी मिल रहा है अपार्ट फ्रॉम खाने और का कुछ इंतजाम? खाने और बुक्स, नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक्स मिल रहे हैं. ये एक और एक एजेंसी है जो हम लोग उनको नोटबुक्स प्रोवाइड करते हैं. तो और दूसरा यूनिफॉर्म्स दो सेट्स मिलते हैं पर ईयर. तो ये सारी चीज़ें मिलते हैं. मिड डे मील्स, सुबह में दूध वगैरह का भी इंतज़ाम है. वो सारी चीज़ें हम लोग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. गवर्नमेंट से तो बहुत इतनी ही फैसिलिटी है. हर स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल में इतनी फैसिलिटी है. ये जो किताब आपके पास आते हैं गवर्नमेंट से, वो सारे उर्दू में आते हैं कि उसमें से कुछ इंग्लिश और कन्नड़ के आते हैं? नहीं, कन्नड़ा के लिए एक सब्जेक्ट कन्नड़ा है, एक सब्जेक्ट इंग्लिश है. वर्क बुक्स भी हैं, बेहतरीन बुक्स हैं. आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे बुक्स हैं. और इसके अलावा हमारे पास एक एनजीओ के लेडी आते हैं, उन्होंने बेसिक इंग्लिश बच्चों को जो ब्रिज है वो बिल्डअप करने के लिए उन्होंने भी आते हैं. वीकली ट्वाइस आते हैं, तो वो भी है. और बेसिकली उर्दू स्कूल्स का तो जो मदर टंग में जो बच्चा समझ सकता है, तो इसके लिए उर्दू स्कूल्स हैं. तो सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड वेल. तो बात करने का जो लैंग्वेज आपका रहता है वो उर्दू में रहता है कि जिस लैंग्वेज में है वो कुछ समझ जाए. लेकिन आप इंग्लिश की किताब भी पढ़ाते हैं? हाँ, पढ़ाते हैं. इंग्लिश की किताब जब पढ़ाते हैं हम लोग इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करते हैं, उसमें ही कमांड्स, वो जो उनके डायलॉग्स हैं, सो दैट उनको ये है, वो बच्चों में है, दे कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश वेरी वेल इवन फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड. तो कर सकते हैं. तो जहाँ तक ये है उर्दू स्कूल्स वगैरह, कन्नड़ा स्कूल्स वगैरह, सो उनका जो मदर टंग है उसमें समझ अच्छी तरह से पाएं बोल के. ये जो बच्चे आते हैं इसी मोहल्ले के रहते हैं कि थोड़े दूर से भी कोई आता है? इसी मोहल्ले के हैं ज़्यादातर, दूर से भी एक दो बच्चे आते हैं. तो यहाँ एजुकेशन पूरा फ्री है, राइट? जी. उसके बावजूद भी लोग नहीं आते? साथ मिड डे मील्स फ्री है, बेहतरीन खाना आता है, और फिर यूनिफॉर्म्स फ्री हैं, और टेक्स्ट बुक्स फ्री हैं गवर्नमेंट की तरफ से. सो अपार्ट फ्रॉम दैट जो बाहर वाले भी, अब जैसे हमारे जो अडॉप्टीज हैं उन्होंने बैग्स वगैरह दिए, शूज़ वगैरह दिए इस बार. और एक और अडॉप्टी, एक और है जो एवरी ईयर फ्रॉम पास्ट 8 years दे हैव बीन गिविंग अस नोटबुक्स, पेंसिल्स, पेंस एंड एवरीथिंग, ज्योमेट्री बॉक्सेस एंड ऑल, हर चीज़ मिलती है. बस उन लोगों में अवेयरनेस मेन, मुझे कहाँ लगता है कि उनके पेरेंट्स को ज़रा अवेयर करना है. मैं तो ये तबका जो है उन लोगों को, उनको ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत. अभी कितने बच्चे हैं टोटल? अभी 35 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह. बहुत कम स्ट्रेंथ है, इसको बढ़ना चाहिए. तो अभी आपका जो अभी जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें कितने बच्चे तक को आप लोग पढ़ा सकते हैं?
माशाल्लाह 200-250 माशाल्लाह इससे बढ़कर भी। अब हमारे पास ग्राउंड है, पानी की फैसिलिटी है, टॉयलेट्स की फैसिलिटी है, क्लासरूम्स भी है। जितने क्लासरूम्स हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह वी कैन अकोमोडेट अराउंड 200 चिल्ड्रन। तो बहुत सारे बच्चे अभी भी आ सकते हैं, अब आप लोगों के आने की है, बाकी ये लोग तो रेडी हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये गवर्नमेंट की तरफ से बनाया हुआ पुराना टॉयलेट था जो कि अब कचरा का अड्डा बन चुका है, ठीक है। और अभी जो नया टॉयलेट है उसको देखते हैं, कोशिश करते हैं अंदर चलने की। तो ये एक दो टॉयलेट हैं, इसमें कुछ प्रोविज़न नज़र नहीं आ रहा, कहीं लिखा हुआ नहीं है लेडीज़ टॉयलेट और जेंट्स टॉयलेट, लेकिन दो टॉयलेट हैं यहाँ पे है। बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, टॉयलेट का बुरा हाल है। अब ये यहाँ पे जो दीवार है, दीवारें छोटी हैं, तो शाम में जब स्कूल 3 बजे बंद हो जाता है तो ये ड्रग्स और दारू पीने वाले जो लोग हैं इधर से जम करके आके बैठ के अपना दारू और ड्रग्स लेते हैं। तो मैं ये अपील आप लोग से करता हूँ कि आगे आइए, ऐसे जो हेरिटेज बिल्डिंग है जो मुफ्त में आपको मिले हैं और आप मुफ्त में गवर्नमेंट से फैसिलिटी दे रही है, मील्स दे रही है, सुबह के नाश्ते के लिए दूध भी आता है और उसके बाद सारे किताब फ्री हैं, उसके बाद भी अगर हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं तो ये सिर्फ हमारी अपनी गलती है, किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। जो इन्होंने बताया कि जो 6 क्लासरूम है 250 बच्चे अभी यहाँ पढ़ सकते हैं और सिर्फ पढ़ कितने रहे 35। और ऐसा नहीं है कि उर्दू स्कूल बोलने से सिर्फ उर्दू की पढ़ाई हो रही है, वो लोग मैथ भी इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं और इंग्लिश का किताब भी चल रहा है, तो बहुत अच्छी पढ़ाई हो सकती है। सिर्फ ये है कि आपका साथ चाहिए और आपके साथ हम भी बने रहेंगे। देखते हैं इस वीडियो बनाने से कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं, लेकिन मैं एक बात और करूँगा, आप लोगों के फ़ंड की भी मदद करनी पड़ेगी। हाथ पे हाथ रख के बैठिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब बिल्डिंग है कुछ दिन कुछ लोग आते हैं, कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कुछ कर पाएँ, जब फंड नहीं मिलते हैं तो वो भी अपना दुकान बंद करके चले जाते हैं। तो ऐसे जो संस्थाएं अभी आई हैं कि 4-5 साल के अंदर इस बिल्डिंग को चेंज करके एक नया लुक दें, उनकी आप मदद कीजिए, थोड़े पैसे सामने दीजिए कि ये काम आसानी से हो सके। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक।